सनशाइन ट्यूशन क्लासेस, ज्वालाहेड़ी, पंजाबी बाग, पश्चिम विहार, विकासपुरी, जनकपुरी, हर जगह से 11वीं 12वीं के सारे टॉपर बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं। और ये रजत, यार तेरे रोज के नए चोचने, आज फिर लेट हो गए। आ जाओ रजत बेटा, फिर से लेट। ये भी यहीं पढ़ने आता है पांडे जी की बाइक पे। हेलो जी। हेलो, माय नेम इज सौरभ पांडे। चाट पापड़ी बोले तुम मुझसे, क्रीम रोल। अबे बोल कौशल कुछ नहीं कहेगा यार, तू चल मार। और ये गाली मुझे ही पड़ी है भाई। खैर, मैं प्रदीप कौशल यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जय माता दी के अलावा भी कुछ लिखना होता है पेपर में। और वैसे मुझे हमेशा लगता था तुम्हारा और पांडे जी का जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन का है, हीरे की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन है? ये पता नहीं यार, कोई नई लड़की आई है, आज ही ज्वाइन किया। नाम क्या है इसका? तेरे को लड़की पसंद आ गई है, अबे सीआईडी बन रहा है। बाय द वे गाइस, ये इशिता है, डीपीएस से आई है। ये पांडे। हेलो, माय नेम इज सौरभ पांडे। हाय। और ये रजत। हाँ, इनको तो मैं जानती हूँ। ये लड़कियों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, ये घूमती मोमोज वालों के साथ है और पट्टी मैगजी वालों से। अच्छा वैसे तुमने रिक्वेस्ट चेक की थी कल परसों? मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे लगा कि तो मेरा नंबर ले लो। पिछले चैप्टर के बाद इनकी बातें थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी हैं। तुम मुझसे वंश के लिए पूछ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, छोड़ छोड़ो ना, कैसे हो तुम? मैंने सब आज तक नहीं किया है। हाँ हाँ, करना भी नहीं चाहिए। But I want to try. ऐसे एक बात पूछूं, तुम मुझे क्यों अपनी मम्मी के स्पॉट पे लेके गए? ऐसे टिक्की खाने का मन था। रज्जो, can we hug? तुम ना बड़ी वैसी वाली सुंदर हो, मतलब जैसे मैं थिएटर में बैठा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ और अचानक हीरोइन की जगह तुम आ जाओ ना, तो ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा? मैं कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला ना? जो हम साथ थे ना, नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए, दिल सो जाएगा। बच्चों, हाइड्रोजन केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस सबसे मेल खाती है, इसलिए ये उनमें से कुछ भी नहीं है, बस कंफ्यूज्ड है। ऐसा अच्छा लग रहा है। तुम दोनों हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? ये है ही चेपड़ सा ठाईगरा। हाँ, तू तो बड़ी कैटरीना है ना, लंदन रिटर्न एकदम लाइट। मैं चाहता हूँ कि हम बेस्ट कपल बने, पता है, एकदम नंबर वन। इस चीज में मुझे थोड़ा फोर्थ नहीं आना है। अरे रज्जो, पर हम है नंबर वन क्योंकि हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। हर कपल अलग होता है। अब तुम पांडु अनुषा से पूछो, उन्होंने कभी हमारा वो मेट्रो स्टेशन वाला गेम खेला हो या उन्हें किसी शोरूम के बाहर फेंका हो तो। हम अलग है रज्जो, पर हम अच्छे हैं। मस्तान मम्मी, ये मेरा नहीं यार, अनुषा का, मैंने कॉल करने बस दे ही रहा था उसको। ठीक है अनुषा, चल मैं निकलता हूँ। ठीक है, सॉरी इशिता। क्या हुआ इशिता? आज से बस ट्यूशन के बाद घर जाके। आपको पता था? मतलब आपको पता था कि इशिता और मेरे रजत के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ना तो आपने हमें बताया ना उसे रोका। या आप केमिस्ट्री सिखा रहे हैं या अय्याशी करना सिखा रहे हैं? यानी बच्चे हमसे चीट करें, हमसे झूठ बोले, लेकिन हम कुछ ना कहें। रजत ने हमें क्यों नहीं बताया? बताइए, क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली यही तो सवाल है मिसेस बख्शी, रजत ने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि रजत बेटा, तू हमारे बारे में क्या सोचता है? मम्मी, वो है ना, नहीं मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों एकदम दबा दबा सा लगता है, बन बन सा लगता है। मम्मी, ऐसा लग रहा है ना मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ बड़े होने तक, और फिर एक दिन मैं चला जाऊंगा। वो कौशल सर कुछ बता रहे थे फाउंडर्स डे के बारे में, तुझे जाना है? आप जैसे जाने दोगे। डिपेंड करता है, अगर तुझे जाना हो तो। और ये होम ट्यूशंस ठीक चल रही है या वापस सनशाइन जॉइन करना चाहेगा?
वापस सनशाइन ज्वाइन करना है? कर ले, पर एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू जो भी करेगा मेरा सोच कर करेगा और मुझे बता के करेगा। रजत बेटा, आई एम वेरी सॉरी, अब मुझसे जो हो पाएगा ना मैं करूंगी। मैं पापा से बात करूंगी तुम्हारे 12th के बाद कि तुम्हारी स्ट्रीम बदल दे। पिछले कुछ दिन थोड़े मुश्किल थे, है ना? मेरे तुमसे ज्यादा। इशिता, एक डाउट था। तो अब हम फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स हक तो कर सकते हैं ना? नहीं नहीं सॉरी, मतलब कोई बात नहीं, चलेगा। इशिता, मुझे लगा था हमारे बीच सब ठीक हो गया यार। इशिता, हम पहले जैसे नहीं बन सकते, तो दोस्त तो है ही ना। बच्चों, हम कह तो देते हैं कि फ्रेंड्स बन के रहेंगे, पर फिर हम मिस करते हैं वो टच, वो हग, वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स, और सोचते हैं कि ये सब फ्रेंडशिप में क्यों नहीं हो सकता। तुम दोनों एक बात सुनो, देखो बेटा, जो लाइफ है ना, ये बिल्कुल ना नूडल्स की तरह होती है, एक दूसरे में उलझी हुई। अब हम इन नूडल्स को सुलझाने बैठेंगे तो फिर हम इसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। बेटा तुम दोस्त हो, चलो चलो उठो उठो, इसे नहीं लड़ते हैं। चलो चलो शेक हैंड। I'm sorry. इशिता, मैं फिर से चीजें रिपीट नहीं करना चाहता, पर बस इतना बताना था कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, और बस वही फील कराना चाहता था। देखो राजी, मैं अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं चाहती, ये मेरा फर्क। और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे दोस्त से ज्यादा देखते हो, ये तुम्हारा फर्क है। दो एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों इक्वल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी मिल जाती है ना, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या रंग दिखाएगा ये टाइम बताएगा। ठीक नहीं किया खन्ना की बिल्डिंग छोड़ के, लाया भी कहां यहां छत पे? इसे कोचिंग नहीं चलती यार। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूं यार मैं, बेअकल हूं मैं, नालायक। पर नहीं भर रहा है, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। ये आईआईटी करेगा और तू वापस हॉस्टल जाएगा। ये आईआईटी नहीं करेगा, ये आईआईटी करेगा। बस नहीं करेगा रजत। बच्चों, एक एलिमेंट के कई आइसोटोप्स हो सकते हैं। इन आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, पर एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, जो कि इसे स्टेबल या अनस्टेबल बना सकता है। मेरी वजह से हुआ है, मैं जिससे प्यार करता हूँ सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हमने डिसाइड किया था कि सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे, पर अब ये बकरी के आने के बाद ना मैं सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकता, अब ये मेरा पार्ट। देख रज्जू, जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहाँ नेचुरली झगड़े भी ज्यादा होंगे। अब तेरा प्यार कम है तो फिर झगड़े भी कम होते होंगे। इशिता, एक मिनट सुन लो यार प्लीज, कहीं चलना है। कहाँ? बस यही। मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर हो रही हो तो और पास आने की कोशिश करने लगा, और गलतियां हुई। मैंने ये भी रियलाइज किया यार कि मैं इनसिक्योर हूं, इसकी वजह से तुम लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती, ये तो स्टुपिडिटी है ना। ज्यादा पास आ जाने के डर से मैं भी दूर रहने लगी, मुझे डर था तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे, मेरा फैक्ट भी मेरा डर ही था। रिश्ता, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाने ही नहीं वाला था, स्टुपिड तो है हम लोग। बस मैं थोड़ा ज्यादा हूं। बच्चों, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए सनशाइन को भुलाना इतना आसान नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं है। सनशाइन एक ऐसी जगह थी जो हमें एक तार से जोड़ती थी, आज वो तार शायद टूट गई। बच्चों, मैं तुम्हें हमेशा सिखाता रहा, डांटता रहा, कहता रहा कि फेल नहीं होना, फेल नहीं होना,
पर आज फाइनल टेस्ट में मैं खुद ही फेल हो गया और तुम सबको भी फेल कर दिया। आई एम सॉरी बच्चों।